तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनुजा स्टडी पॉइंट में। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चनों को आप लोग को सामने मैं लाया हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और ये फर्स्ट लेसन है जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद है। इससे जितना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को मैं आप लोग को साथ प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये फर्स्ट लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। फर्स्ट में लेसन बोला जा रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है तुर्की, बी में दिया गया है इटली, और सी में दिया गया है इंग्लैंड, और डी में दिया गया फ्रांस। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में सेकेंड सेटिंग एग्जाम में, सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जब इसका आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था, यानी जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध में कौन सा देश लड़ रहा था। तो वैसे ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया, जो जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध में लड़ रहा था। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान के प्रेरणा का स्रोत है, यानी यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं प्रेरणा विज्ञान के आधार पर वे स्रोत उसी आधार पर चलते थे। तो तीसरा क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें फर्स्ट में ऑप्शन में दिया गया जर्मनी, बी में दिया गया यूनान, और सी में दिया गया तुर्की, और डी में दिया गया इंग्लैंड। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूनान। तो चलते हैं हम चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोला जा तो पाँच नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है, यानी यूरोपीय को सभ्यता को पालन करने वाला किस देश को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका पाँच नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूनान को कहा जाता है। तो चलते हैं अब हम सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी रक्त और लौ नीति का अवलंबन यानी किसने किया था, कौन बनाए थे रक्त और लौ नीति को अवलंबन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिस्मार्क द्वारा रक्त लौ नीति का आविष्कार यानी बनाया गया था, जो नीति था उसके तो बिस्मार्क द्वारा बनाया गया था। तो चलते हैं हम अब सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर। सेवन नंबर में बोला जा रहा है कि मेटरनिक कौन था, इसमें जो यूनान के राष्ट्रवाद में इसका क्या रोल था। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आपका सेवन नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटर्निक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो चलते हैं हम आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, सीडान का युद्ध जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था। तो सीडान का जो युद्ध हुआ था प्रासा और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पराजय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो चलते हैं हम नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी, जो फ्रैंकफर्ट संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डी ऑप्शन में 1871 ईस्वी दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलते हैं हम दस नंबर क्वेश्चन में। दस नंबर में बोला जा रहा है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोपीय सर्दी और जुखाम होता है, यानी फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी और जुखाम हो जाता है, यह कथन किसने दिया था। तो दस नंबर क्वेश्चन का आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप जो मेटर्निक ने दिया था, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो चलते हैं हम ग्यारह नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था, जो बिस्मार्क थे वे किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे। तो इसका जो बिस्मार्क आपका बी हो जाएगा, हिंगले। तो चलते हैं हम अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोला जा रहा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड था, या नेपोलियन जो कोड कितने प्रकार के कोड का प्रयोग करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाँच हो जाएगा, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। पांच कोड का इस्तेमाल नेपोलियन जो थे वो पांच कोड का इस्तेमाल करते थे। तो चलते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूरोपियन राष्ट्रवाद से प्रभावित जो गरिवाल्डी द्वारा किया गया था लाल कुर्ती का गठन, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी किस युद्ध समाप्त होने के बाद यानी
जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ यानी शुरू हो गया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सीडोन युद्ध के बाद, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलते हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि काबूर कौन थे, तो काबूर एक इटली का प्रधानमंत्री थे, काबूर जो थे वे इटली के प्रधानमंत्री थे, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अब हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जर्मनी एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी जो जर्मनी का पूर्ण रूप से एकीकरण कब हो गया था पूर्ण रूप से, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में पूर्ण जर्मनी का पूरा पूरी तरह से एकीकरण हो गया था, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। सेडॉन सेडाओं के युद्ध किसकी पराजय हुई थी हुआ था, तो सही आंसर आपको 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना किया गया था, संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना किया गया था, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर में बोला जा रहा है कि मीरा ऑन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है, यानी मीरा ऑन किस राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस की है, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिस्मार्क क्या था, यानी बिस्मार्क जो थे वे पेशा से क्या थे, किस प्रकार के आदमी थे, वे कवि थे, नाटककार थे, संगीतज्ञ थे, कूटनीतिक थे, तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आपको जो सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क एक कूटनीतिक व्यक्ति थे, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलते हैं हमें 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें इंग्लैंड में, चार्टिस्ट आंदोलन था जो इंग्लैंड में हुआ था, तो सही आंसर आपका ऑप्शन में इंग्लैंड डी में है, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा किस राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, यानी किस घटना के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा को माना जाता है, जन्म को किस घटना को आधार पर माना गया है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर हो जाएगा पूर्ण जागरण के आधार पर किया गया था, यानी पूर्ण जागरण की घटना के बाद वह राष्ट्रवाद के प्रारंभ माना जाता है। तो चलते हैं अब 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, यानी जर्मनी का जो एकीकरण था किस संधि के बाद में पूर्ण तरह से पूरा हो गया था, तो इसका सही आंसर आपका हो गया फैक्टफर्ट संधि के आधार पर हुआ था, के बाद पूरा हुआ था, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलते हैं अब 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, जो वियना सम्मेलन हुआ था वह 1848 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला 1829 ईस्वी में एडियोनोल पुल की संधि के साथ हुआ था, यानी किसके साथ हुआ था, जो एडियो पोल की संधि हुआ था, एडियो पोल की संधि कहाँ किस के साथ हुआ था, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर रूस के साथ हुआ था। आप लोग को मैं इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रोवाइड कर दिया हूं, जो फर्स्ट लेसन से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो वैसे क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करवा दिया हूं आप लोग को, और आप लोग को कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ वे कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि किस तरह से आपको कितना नंबर आपको आया। और अगर अभी तक साइंस का क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं, साइंस का भी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैं डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे।